जवाब नहीं आया। हम तो अपनी बात रखेंगे ना महोदय, हम अपनी बात रखेंगे सरकार से पूछेंगे महोदय। हम मेरा अगर सरकारी संकल्प है तो महोदय अपनी बात तो रखूंगा महोदय। विभाग को यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि देश और प्रदेश के हित के कई अति विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा कुड़माली भाषा विगत कई वर्षों से अपने असली और मूल परिचय से वंचित होता रहा। कारण कि वर्तनी त्रुटि और ध्वन्यात्मक भिन्नता की वजह से इसे विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में कुड़माली के रूप में व्यवहित किया जाता है। चूँकि अंग्रेजी में हिंदी के अड़ अक्षर का विकल्प नहीं होने के कारण उसे आर से निरूपित किया जाता रहा। इसी क्रम में कुड़माली भाषा के लिए भी अंग्रेजी में KURMALI लिखा गया और फिर उसके हिंदी रूपांतरण में भी कुड़माली के जगह पर कुड़माली लिख दिया गया। इससे कई तरह की विभ्रांतियां और समस्याएं उत्पन्न हुई जो आज तक निरंतर जारी है। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार कुड़मी समुदाय का नाम उच्चारण हार्ड डी या सॉफ्ट डी यानी र अक्षर के साथ स्पष्ट रूप से कुड़मी के रूप में एवं इनके मातृभाषा नाम का उच्चारण कुड़माली नेगाचारी जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। वहीं अधिकांश शब्दों में र अक्षर की प्रधानता देखने को मिलता है। इनके पुरखानी पारंपरिक गीतों में भी जहां कुड़माली शब्द का ही उच्चारण सुनने को मिलता है, वहीं समाज की भावनाएं भी मूल रूप में कुड़माली उच्चारण के साथ जुड़ी हुई है। कुड़माली लिखने या बोलने से कुड़माली की वास्तविकता पहचान महता धूमिल होती जा रही। भारत देश में र अक्षर वाले द्रविड़ शब्द के लिए अंग्रेजी में DRAVID, कन्नड़ के लिए KANNAD आदि का प्रयोग होता है। कुछ वर्ष में पूर्व में उच्चारण के आधार पर ओडिशा राज्य के लिए ORI SSA से ODISHA तथा ओडिया भाषा के लिए ORIYA के जगह पर ODIA शब्द संशोधित किया गया। झारखंड राज्य में भी संथाली के लिए संताली, कुरुक के लिए KURUKH के बदले KUDUKH, खड़िया के लिए KHARI के बदले में KHADI आदि शब्द नाम प्रयुक्त किए जा रहे हैं। फिर कुड़माली के साथ ऐसा पक्षपात या अन्याय क्यों? अतः हमें प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक के कुड़माली भाषा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त हो रहे त्रुटिपूर्ण कुड़माली KURMALI शब्द के पद को पूर्णतः विलोपित करते हुए कुड़माली KUDMALI शब्द के रूप में संशोधित करने की कृपा करें। साथ ही UGC को भी पत्र लिखकर कुड़माली के स्थान पर कुड़माली संशोधित करने हेतु तो सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता। सभापति महोदय, इसका जवाब अभी तक नहीं आया, इसलिए हम अंत में लिया जाए देखिए जवाब। महोदय मही सरकार को, महोदय मही सरकार को थोड़ा मदद कर दे। मेरा ये गैर सरकारी संकल्प महोदय झारखंड राज्य की 26% कुर्मी जनजातियों के हित, उनके भाषा संस्कृति के संरक्षण और उनकी अस्मिता से संबंधित जुड़ा हुआ सवाल है। और महोदय कितना दुखद है, सरकार कितनी लाचार है, कितनी बेबस है, कितनी अनभिज्ञ है कि मेरे इस महत्वपूर्ण जो 26% जनता है उसे संबंधित इस सवाल को भी फुटबॉल की तरह फेंक रही है। महोदय कार्मिक विभाग शिक्षा विभाग को फेंक देती है, शिक्षा विभाग कार्मिक विभाग को फेंक देती है, तो महोदय ये सवाल तो मेरा फुटबॉल हो गया। एक कोना से दूसरे कोना में मार दो, दूसरे कोना से तीसरे कोना में मार दो। और जबकि ये सवाल राज्य की कुड़मी जनजाति जो 26% आबादी है उसके हितों से संबंधित है। महोदय मैं सीधा सीधा इसमें सरकार को यही करना था महोदय कि एक UGC को महोदय भाषा के संरक्षण के लिए, भाषा को देखने के लिए सरकार का एक विभाग है। सरकार को यह भी पता नहीं महोदय कि यहाँ पर राजभाषा विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग जो भाषा से संबंधित कामों को देखती है महोदय। और इससे पहले भी हमने ध्यान आकर्षण मिला तो उसमें सरकार का भी था कि जो झारखंड की 9 जनजाति और क्षेत्रीय भाषाएं, सरकार का आश्वासन है, लिखित आश्वासन है महोदय कि झारखंड की जो 9 जनजाति और क्षेत्रीय भाषाएं
इन भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आश्वासन सरकार का था। महोदय मेरा सीधा सीधा है कि सरकार को इसमें कोई पैसा लग नहीं रहा महोदय, कोई राजस्व की इसमें खर्चा है नहीं महोदय। सीधे सीधे UGC को एक चिट्ठी लिख देना है कि आप कुरमाली के जगह पर कुरमाली लिखे, राज्य के सभी उपायुक्तों को, सभी आयुक्तों को और शिक्षा विभाग को लिखे कि भाई जहाँ पर कुरमाली शब्द प्रयोग हो रहा वहाँ पर KURMLAI के जगह पर KUDMLI लिखे। यही तो करना है महोदय, इसमें कोई पैसा और कुछ तो लगना नहीं है। और ये महोदय ये मामला पूरी तरह से राजभाषा विभाग का है महोदय, तो हम तो यही चाहेंगे सरकार का आश्वासन आ जाए कि हम संबंधित विभागों में और UGC को हम पत्र लिख देंगे नाम संशोधन के लिए। माननीय मंत्री जी, ये शिक्षा विभाग में गया था, शायद रिडायरेक्ट हो गया है, तो अभी थोड़ी देर में हम मंगवा लेते हैं और उसका जवाब हम दे देते हैं। महोदय यही अनुरोध रहेगा महोदय कि जब गैर सरकारी संकल्प समाप्त हो जाए उसे पहले तक राजभाषा विभाग से ठोस और सकारात्मक जवाब आ जाए। प्रेस कर, प्रेस कर। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य समीर कुमार मोहंती जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभी